आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपरदन क्षेत्र, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। प्रायद्वीपीय पठार एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। यहाँ पर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां इस क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय नदियों की चौड़ी, उथली और लगभग संतुलित घाटी इस तथ्य को बताती हैं, दर्शाती हैं कि हिमालय की नदियों की तुलना में ये नदियां काफी अधिक लंबे समय से प्रवाहित हो रही हैं और प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। कुछ भ्रंश क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर नदी तलों की ढाल प्रवणता बहुत मंद है। अब अपरदनकारी शक्तियां यहाँ पर लेटरल इरोजन करती हैं, लंबवत अपरदन करती हैं। द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इनमें प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बहुत छोटी हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं। इनमें प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और तापी नदी। पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा और तापी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, वो एस्चुरी फॉर्म करती हैं। First, we'll be talking about the west flowing rivers of the peninsula, India, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बहुत कम हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की तुलना में काफी छोटी हैं। मुख्य नदी है नर्मदा और ताप्ती, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। यह भ्रंश संभवतः हिमालय के उद्भव के साथ साथ ही ओरिजिनेट हुआ था। विंध्य और सतपुरा के समानांतर ये भ्रंश पाया जाता है। साबरमती और माही, लूनी, ये नदियां भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये अपना डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी बनाती है। They create estuaries या चार नदमुख। इनकी गति बहुत तीव्र है, इस वजह से डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता। First we'll be discussing the river Narmada. It is the largest west flowing river of the peninsula India. It flows in a rift valley. नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है, परंतु समुद्र में गिरने से पहले यह 27 किलोमीटर लंबा एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है और इसका अपवहन क्षेत्र कैचमेंट एरिया इज 98,795 स्क्वायर किलोमीटर। इसके उत्तर में विंध्याचल तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत स्थित है। यह नदी इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित भ्रंश घाटी में बहती है। इसके रास्ते में जबलपुर के निकट संगमरमर के शैल पाए जाते हैं, जिस पर यह जलप्रपात बनाती है, जो कि 15 मीटर ऊंचा है, जिसे हम
धुआंधार फॉल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह शेल्डोन, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खारगोन, धर और झुंबुआ डिस्ट्रिक्ट में बहती है और लास्ट में गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। इन दिस मैप वी कैन सी द फ्लो ऑफ रिवर नर्मदा। टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा इज द विंध्याचल रेंज, टुवर्ड्स द साउथ इज द सतपुरा एंड महादेव मेकाल रेंजेस। इन बिटवीन दीज रेंजेस इज फ्लोइंग द रिवर नर्मदा विच वी हैव जस्ट ड्रॉन। द फ्लो इज टुवर्ड्स द अरेबियन सी and this is the Arabian Sea. The river is flowing in a rift valley, that is why it has a very few tributaries which flow very slowly. क्योंकि नदी एक भ्रंश घाटी में बहती है इसलिए सहायक नदियां बहुत छोटी छोटी हैं और उनका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है। द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर जो आती हैं नदियां वो हैं आपकी हिरण नदी, द टिंडन, द चंद्रकेशर, द मान, द उत्ती, द हत्ती, बरन एंड कनर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर आएंगी बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंडी, देव, दूधी, शेर, शंकर एंड गजल एंड गोई। नर्मदा नदी के ऊपर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, उनका निर्माण किया गया है जल विद्युत केंद्रों का, जिनमें से मुख्य है इंद्र सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, बारगी और महेश्वर। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर प्रमुख जलप्रपात भी पाए जाते हैं, उनमें से मेन है कपिलधारा वाटरफॉल जो कि अमरकंटक में है, दुग्धधारा वो भी अमरकंटक में है, धुआंधार इज इन जबलपुर, मंदार वाटरफॉल खंडवा में, दर्दी वाटरफॉल खंडवा में, सहस्त्रधारा वाटरफॉल महेश्वर में। अब हम बात करेंगे तापी नदी की। द ताप्ती रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख नदियों में द्वितीय नंबर पर आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्विन और द हैंडमेड ऑफ नर्मदा रिवर। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। यहाँ पर सतपुरा के दक्षिण में स्थित दरार घाटी में नर्मदा के समानांतर पश्चिमी दिशा में बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी नदी का बेसिन 65,145 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें से 79% महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में आता है। द रिवर इज सिचुएटेड इन डेक्कन प्लेटो और उसके आसपास सतपुरा की पहाड़ियां उत्तर में पाई जाती हैं, महादेव की पहाड़ियां पूर्व में और अजंता और सतमाला हिल्स दक्षिण में पाई जाती हैं। In this map, we can see the location of the Tapi River. This is the Tapi River. It is flowing parallel to the Narmada River and it is falling in the Bay of Bengal. अब हम तापी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। राइट बैंक पर आती हैं सूखी, गुमाली, अरुणावती और अनेर नदियां। लेफ्ट बैंक में आती हैं वागुर, अमरावती, बुर्रे, पंजरा, बोरी, गिरमा, पूर्णा, मोना एंड सिपना रिवर्स। तापी नदी के ऊपर पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उनमें से प्रमुख आते हैं हथनूर पावर प्रोजेक्ट, ककरापर पावर प्रोजेक्ट, गिरना डैम एंड दाहिगम बैराज ऑफ गिरना प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में है। कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज भी इस नदी के किनारे लगी हुई हैं, उनमें से प्रमुख है द टेक्सटाइल फैक्ट्री ऑफ सूरत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन सूरत, पेपर एंड न्यूज प्रिंट फैक्ट्री एट
नेपानगर. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साबरमती रिवर. साबरमती दो नदियों के विलीन होने पर बनती है, साबर और हतमती रिवर. साबरमती का उद्गम सूत्र अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है. यहां से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है. इस नदी का बेसिन क्षेत्र कैचमेंट एरिया 21,674 स्क्वायर किलोमीटर है, जो राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है. कर्क रेखा को ये दो बार काटती है ड्यूरिंग इट्स कोर्स. द टोटल लेंथ, इसकी कुल लंबाई जो है 371 किलोमीटर है. नाउ वील बी डिस्कसिंग द ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां ऑफ साबरमती. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर जो मुख्य नदियां हैं वो हैं वकाल, हतमती, वत्रक. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सेदी नदी आती है. इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स जो लगे हुए हैं उसमें है साबरमती रिजर्व, हतमती रिजर्व, मेशवो रिजर्व प्रोजेक्ट्स जो कि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं. इंडस्ट्रीज भी कुछ साबरमती नदी के ऊपर लगी हुई हैं, उसमें गांधीनगर और अहमदाबाद दो इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं जो कि इसके किनारे पर स्थित हैं. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल, लेदर, लेदर गुड्स, प्लास्टिक, रबर के सामान, पेपर, न्यूज़प्रिंट, ऑटोमोबाइल, मशीन टूल्स, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है मेनली इसके आसपास लगाई हुई है. माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 34,842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर बहती है और यह है मुख्य अंतरराज्य नदी है जो कि वेस्ट फ्लोइंग है. इसके उत्तर में अरावली, मालवा का पठार पूर्व में, विंध्याचल दक्षिण में और गल्फ ऑफ खंबात टुवर्ड्स द वेस्ट है. माही नदी भी कर्क रेखा को दो बार काटती है. इट ओरिजिनेट्स इन द विंध्याचल रेंजेस एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स. धर डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्भव होता है. टोटल लेंथ इज 583 किलोमीटर्स और इस नदी के ऊपर कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है जो कि 63.63% टोटल एरिया को कवर करता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स माही बजाज सागर डैम और कदना डैम इसके ऊपर बनाए गए हैं. वडोदरा इसका मुख्य नगरीय क्षेत्र है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर, न्यूज़प्रिंट, ड्रग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इस नदी के किनारे पर काफी विकसित हैं. लूनी पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एक मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ अरावली एट एन एलिवेशन ऑफ 772 मीटर्स नियर अजमेर. अजमेर के नाग पहाड़ के निकट 772 मीटर की ऊंचाई से लूनी नदी निकलती है. दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए 511 किलोमीटर राजस्थान कवर करते हुए रन ऑफ कच्छ के अंदर जाकर कच्छ की मिट्टी के अंदर विलीन हो जाती है. ज्यादातर इसकी सहायक नदियां लेफ्ट बैंक पर हैं और इसका पूरा कैचमेंट एरिया राजस्थान के अंदर ही है. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जौजरी एक प्रमुख नदी है. लेफ्ट बैंक के अंदर काफी सारी सहायक नदियां हैं जैसे लेरली, गुइया, बांडी, सुकरी, जवाई, खारी, बांडी, सुकरी बांडी, सागी. इस नदी के ऊपर मेजर डैम्स जो बने हैं दो प्रमुख हैं, डंटीवाता डैम और सीपू डैम.
इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कई छोटी बड़ी और प्रमुख नदियां बहती हैं। उनमें से प्रमुख नदियों में से एक आती है वैतरणा, जिसका ओरिजिन है त्र्यंबक महाराष्ट्र में, जौरी और मांडवी गोवा के अंदर, तेरीखोल को जो कि सेपरेट करती है महाराष्ट्र और गोवा को, काली नदी जो कि बेलगांव कर्नाटक में है, भरत पूजिया रिवर जो कि केरला में है, पेरियार और पांबा नदी, वो भी केरला की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द रिवर्स फॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल। थैंक यू।